नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा राजेश खन्ना और राजेश खन्ना की मुफलिसी के दिनों का है। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना का एक दौर ऐसा स्टार्डम था कि उनके बंगले आशीर्वाद के बाहर हजारों फैंस इकट्ठा हो जाया करते थे। काका के प्रति प्रशंसकों की दीवानगी का जिक्र करते हुए एक बार सलीम खान ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आज भले ही मेरे बेटे यानी कि सलमान खान को देखने हजारों लोग घर के बाहर आते हों, लेकिन मैंने इससे भी भयानक नज़ारा राजेश खन्ना के घर के बाहर देखा है, जहां दूर दूर तक सिर्फ उनके फैंस नजर आते थे। हालांकि बाद के दिनों में जब राजेश खन्ना का सितारा डूबा तो वे बिल्कुल अकेले पड़ गए। इनकम टैक्स विभाग ने राजेश खन्ना का बंगला सील कर दिया था। दरअसल काका पर बेनामी संपत्ति में निवेश करने और उसका खुलासा नहीं करने का आरोप था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन पर 1.5 करोड़ रुपए की देनदारी दिखाई थी और ऐसा नहीं करने पर उनका बंगला सील कर दिया था। इस घटना के बाद राजेश खन्ना शराब के नशे में डूबते चले गए। डायरेक्टर अशोक त्यागी ने उनसे जुड़ी इस दौर की जो तस्वीर है उसे साझा किया कि जब बंगला सील होने के बाद काका को अपने घर के बाहर बैठना पड़ा था। पत्रकार और चर्चित लेखक यासिर उस्मान राजेश खन्ना की जीवनी में लिखते हैं कि राजेश खन्ना की आखिरी फिल्म रियासत के डायरेक्टर अशोक त्यागी एक किस्सा भूल नहीं पाते। वो अक्सर राजेश खन्ना से लिंकिंग रोड वाले ऑफिस पर मिला करते थे। तब काका इसी ऑफिस में रहा करते थे। एक शाम 2-3 पैग लेने के बाद राजेश खन्ना अपनी मारुति 800 से अशोक के साथ ड्राइव कर निकल गए और सीधे आशीर्वाद के सामने गाड़ी रोक दी। उस वक्त उनका बंगला इनकम टैक्स विभाग ने सील किया हुआ था। उस समय हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। अशोक को काका अपने सुनहरे दौर की बातें सुनाने लगे। उन्होंने अशोक को बताया कि जिस बेंच पर वो बैठे हुए हैं, किसी जमाने में उसी बेंच के पास सैकड़ों लोग उन्हें देखने के लिए घंटों इंतजार करते थे। अशोक ने सुनने के बाद राजेश खन्ना से कहा, काका जी फिक्र मत करिए, आप देखना हमारी फिल्म के बाद वो फैन फिर से आएंगे। इस बात पर राजेश खन्ना ने धीमी सी मुस्कान दी, मीठी सी। एक ऐसा ही किस्सा वरिष्ठ पत्रकार ने सुनाया था जब वो राजेश खन्ना से मिलने उनके ऑफिस पर पहुंचे थे। बलजीत परमार याद करते हुए कहते हैं कि जब मैंने उनके ऑफिस की डोरबेल बजाई तो उन्होंने खुद दरवाजा खोला था, जबकि इससे पहले उनका बहुत बड़ा स्टाफ हुआ करता था। लेकिन उस समय ऑफिस का नजारा बिल्कुल बदला था। वहां ना कोई नौकर था ना कोई स्टाफ। राजेश खन्ना खुद अपनी कार से मेहमानों के लिए कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए बाजार गए थे। ये राजेश खन्ना की जिंदगी के सबसे तकलीफ भरे दिन थे। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।